अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के बेहतरीन हालत में होंगे। और तकरीबन आधा घंटा सफ़र करने के बाद, आधा घंटे के साथ एक घंटा और ऐड कर लिया, एक घंटा और 30 मिनट सफ़र करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फाइनली रीच टू द गमखोल शरीफ, जिसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। सो रास्ता तो काफ़ी आपने देख लिया होगा, अब चलते हैं अंदर गमखोल शरीफ के और आपको दिखाते हैं गमखोल शरीफ के अंदर के कुछ मनाज़र। चले भाई, दिस इज़ ह्यूज, बहुत बड़ी जगह है और बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, और जिस जगह पे इसको बनाया गया है सो इट्स अमेजिंग, बहुत प्यारी जगह है। और यहाँ के जो मानने वाले हैं, यहाँ के जो मुरीद है, लगता है उन्हें अपनी पीर से बहुत ज़्यादा प्यार है, एंड दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस मज़ार। गमखोल शरीफ के मज़ार के अंदर हम गए, हमने पीर साहब के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ, और उसके साथ साथ यहाँ पे मेरी उनकी एक मुरीद के साथ मुलाकात हुई। तो जब उनसे मैंने पूछा कि वो कहाँ से, शक्ल से मुझे नहीं लग रहा था कि वो कहीं बाहर के हैं, मुझे पता नहीं लग रहे थे, बट जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो लाहौर से हैं और यहाँ पर तकरीबन 6-7 महीनों से रिहाइश पज़ीर है। और जब उनसे पूछा कि यहाँ पे ईद का क्या सीन था, क्या आप ईद पे घर गए थे, तो उन्होंने कहा हमारी तो रोज़ ही ईद होती है यहाँ पे। सो इस तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे इनके जो मुरीद होते हैं वो इतना अकीदत रखते हैं अपनी पीर के साथ। यहाँ पे अगर आप मेरे राइट साइड पर देख लें तो जो मज़ार के साथ ही का एरिया है राइट साइड पर, यहाँ पर अब मौजूदा जो पीर है, जो गदी नशीन है, वो रहते हैं। और जो ऊपर का एरिया है येलो कलर का, एक छोटा सा आपको जगह नज़र आएगी, ये पीर साहब की चिल्लाका है। और काफ़ी अरसे से दिल कर रहा था इस जगह पे आने का, और आजकल तो आपको पता है हर जगह जो है वह टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है, बट यहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ आया था 2014-15 में, आई गेस। तो उसके बाद फिर यहाँ आने का मौका नहीं मिला था, अब मौसम भी अच्छा था, कुहाट आने का मुझे मौका मिला, सो मैंने सोचा यार यहाँ का भी चक्कर लगा लेते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का विज़िट हो गया एंड आई एम सेटिस्फाइड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरे ख्याल में दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।